हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज की हमारी रेसिपी है मैंगो कुल्फ़ी। जैसे कि गर्मियों का मौसम है और मैंगो का सीज़न है, मैंगो खाना सबको बहुत पसंद होता है, तो हम उसे मैंगो कुल्फ़ी के फॉर्म में बनाएंगे। बहुत ही यम्मी डिलीशियस कुल्फ़ी रेडी होती है ये। हम इसे बिल्कुल नेचुरल वे में बनाएंगे, एकदम माउथ वाटरिंग कुल्फ़ी रेडी होगी ये। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंगो कुल्फ़ी बनाना। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। इसको अब हम एक बॉयल आने देंगे। मैंने गैस की फ्लेम अभी तेज रखी है। ये देखिए दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम इसको पकाएंगे दूध को, क्योंकि हम बिल्कुल नेचुरल वे में मैंगो कुल्फ़ी बना रहे हैं। हम इसमें कोई कॉर्नफ्लावर, कोई मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। हम दूध को ही पका के इसको क्रीम बनाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। 1 कप शुगर ऐड किया मैंने इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शुगर ऐड करें। शुगर के डिज़ोल्व होने तक इसको चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर, इससे कुल्फ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़े से मैं इसमें सैफ्रन डाल रही हूँ। सैफ्रन से हमारी कुल्फ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत बढ़िया कलर भी आता है। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं, बट इसे हमारी कुल्फ़ी में एक नेचुरल कलर आएगा। अब हमें दूध को पकाना है 8 से 10 मिनट तक के लिए, जब तक ये क्वांटिटी में हाफ नहीं हो जाता और थिक नहीं हो जाता। जो इसके साइड में मिलाई आ जाती है हम उसको भी दूध में ऐड करते रहेंगे। ये देखिए दूध को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी में हाफ हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, सैफ्रन की वजह से दूध का कलर बहुत बढ़िया हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। अभी मैं इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाऊंगी। बहुत ही बढ़िया मैंगो कुल्फ़ी रेडी होगी, एकदम माउथ वाटरिंग। आपको रेसिपी बहुत पसंद होएगी। ये देखिए दूध हमारा पक चुका है, काफ़ी थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। आप इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में ही पकाएं, जिससे आपका बैटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये देखिए दूध जो है वो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया, पहले से एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया दूध का। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसके अंदर मैं सारा दूध डाल दूंगी। अच्छे से कढ़ाई को क्लीन कर लेंगे, सारी मलाई क्रीम इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। अब मैंने लिया यहाँ पर मैंगो प्यूरी, यहाँ पर मैंने 2 मैंगो को ब्लेंड कर लिया अच्छे से और बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है। इस मैंगो प्यूरी को भी हम इस दूध वाले मिश्रण में डाल देंगे। अब हम इस सारे बैटर को ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं इसे ढक के ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए मैंगो और दूध को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी, आप देख सकते हैं ऐसी होनी चाहिए आइसक्रीम जमाने के लिए। अब हम आइसक्रीम जमाते हैं इसकी। मैंगो कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। आप मैंगो कुल्फ़ी को किसी भी कुल्फ़ी मोल्ड में भी जमा सकते हैं, किसी कांच के कप में या किसी भी बॉक्स में जमा सकते हैं। मेरे पर यहाँ पर 2 मटका कप हैं, मैं इसमें भी थोड़ा सा बैटर डाल दूंगी, इसमें भी हमारी मैंगो कुल्फ़ी जम जाएगी। अगर आपको स्टिक वाली मैंगो कुल्फ़ी जमानी है आप इसमें एक स्टिक लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे बॉक्सेस जो हैं वो भर लिए हैं। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। मैं दोनों कप को और प्लास्टिक वाले बॉक्स को भी फॉइल पेपर से कवर कर दूंगी। अब हम इस मैंगो कुल्फी को
फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट या 10 टू 12 आवर्स के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी मैंगो कुल्फ़ी सेट होने के बाद कैसी दिखती है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। मैंगो कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखे हुए 10 टू 12 आवर्स हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंगो कुल्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है, और आप मैंगो कुल्फ़ी का कलर भी देख सकते हैं। और ये हमारी जो मटका कप में मैंने जमाई थी वो भी अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए आप कप देख सकते हैं, बाहर से बिल्कुल आइसिंग हो रहा है ये, और बाहर से हमारी मैंगो कुल्फ़ी का कलर भी बहुत सुंदर दिख रहा है। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूँगी। यहाँ पर मैंने आलमंड्स यूज़ किए हैं। ये देखिए मैंगो कुल्फी हमारी रेडी है। केसर की वजह से भी इसका कलर बहुत सुंदर आया है। आप इसको ऐसे सर्व कीजिए, या फिर इसके पीस कट करके सर्व कीजिए, या फिर स्कूप से निकाल के सर्व कीजिए, या फिर आप इसे स्टिक लगा के सेट कीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसी मैंगो कुल्फी बना सकते हैं। आप इसको इस तरह से पीस कट करके भी सर्व कर सकते हैं। मैंगो कुल्फी हमारी रेडी है। बहुत ही बढ़िया डिलीशियस मैंगो कुल्फी रेडी होती है ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए MTP किचन को इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।